वेलकम अगेन गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लाता रहता हूं मैं सारे जॉब्स के अपडेट। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, कि आपके स्टेट में हूं या ऑल इंडिया के, मैं आपके लिए यहां पर लाता रहता हूं। और आज जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूं वो निकली है UPPCL की तरफ से, मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। पोस्ट जो है वो स्टेनोग्राफर और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। जॉब लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश में है, और आप अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जॉब उत्तर प्रदेश में ही मिलेगी। टोटल जो है 2523 पोस्ट निकली हुई है, तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं। इसमें ऑफिस असिस्टेंट की 2296 वैकेंसीज हैं, और इसमें जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी 30 वर्ड पर मिनट की जो है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं काफ़ी सारी इसमें वैकेंसीज हैं। इसमें 1100 के आसपास जनरल के लिए हैं। स्टेनोग्राफर की है 227 वैकेंसी निकली हुई हैं, और क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट स्टेनोग्राफर के बारे में नहीं जानते, मैं बता दूं कि स्टेनो एक लैंग्वेज होती है, उसका कोर्स होता है। अगर आप उसे सीख लेते हैं तो आजकल जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो इसमें कंपटीशन कम होने की वजह से चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी जो है जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये सीख सकते हैं अगर आपको जल्दी जॉब लगना हो तो। और एज लिमिट जो है वो 21 से 40 साल इसमें मांगी गई है। इसके साथ साथ OBC को इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC और ST को 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें है। पे स्केल जो है वो 25,000 से स्टार्ट होगा, इसमें कम लिखा हुआ है, और उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल और OBC से 1,000 रुपये मांग गई है, SC ST से 700 रुपये, और फिजिकल हैंडीकैप से 10 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस इसमें मांगी गई है। अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.uppcl.org.in। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगा, वहां जाके आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए जो सूटेबल बुक होगी वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूंगा। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है कि ये फॉर्म जो है 7 अक्टूबर से भरना चालू हो गया है, और 23 अक्टूबर तक भरा जाएगा। तो आप इसे जल्दी जल्दी इस फॉर्म को भर दें। और जो है रिटर्न एग्ज़ाम की जो डेट है वो नवंबर में आएगी, तो जब आप रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और अब मैं अनाउंस करूंगा उनके नाम जिन्होंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन का सही आंसर दिया था, और इसके बाद अनाउंस किया जाएगा आज का क्वेश्चन। उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जो उस क्वेश्चन का सही आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। तो चलो अब अनाउंस करते हैं उनके नाम जिन्होंने पिछली वीडियो में सही क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। द विनर्स ऑफ लास्ट वीडियो, अभिमन्यु शर्मा, दिव्यांशु चौधरी, प्रभात यादव, श्री श्रेयांक गोवदा, विनी कुमार, अंकित चौधरी, सुमन भारद्वाज, भूपेंद्र राजपूत, ब्रज मोहन कुमार, कंचन बीस्ट, श्वेता सेठी, शिखा सिंह, अभिजीत सेन, अमूषा अरुमाला, अभिषेक कुमार देव, इमरान खान, AK एंटरप्राइजेस, शाहरुख मुकंदर, लीना बारमाशे, अनिकेत यादव, अशफाक उल्लाख, प्रकाश बारीक, कृष्णा चौधरी, शहजाद खान, ज्योति कुमारी, सिमरन सोना, ज्योति उजीले, सोहनलाल सैनी, कामिनी, बबीता दादरवाल, शिवम नायक, स्वाति सिन्हा, अजय कुमार, हरदीप कालेर, आयशा अहमद, जगदीश चौधरी, आदित्य दांगले, अथर्वा दलाल, प्रशांत चौधरी, काम कुमार, बलविंदर सिंह, SK शरीफ, दीपक बिदला, निशा सिंह, भवानी सिंह राव, राज आरण, राकेश धवाने और प्रकाश चौधरी। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनको मेरा बहुत बहुत रिस्पेक्ट। आप भी क्वेश्चन का सही आंसर दें इस टाइम। और अब मैं अनाउंस करूंगा आज का क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन है आपका एक नंबर सीरीज है 4, 16, 26, 34 एंड X। आपको बताना है कि X के स्थान पर क्या है कि ये जो नंबर सीरीज है वो कंटिन्यूस हो जाए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 40, सेकंड 41, थर्ड 43 और फोर्थ 44। और शर्त वही है, जो भी क्वेश्चन का सही आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। तो आप अच्छे से सोचकर इस क्वेश्चन का सही आंसर दें कमेंट बॉक्स में। और मैं आपके लिए सारे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के जितने भी अलर्ट होते, जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं आपके स्टेट के हों या फिर ऑल इंडिया के, मैं आपके लिए सारे लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे बोलो, राधे राधे, राधे।